बच्चों, कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका बहुत स्वागत है। अध्याय 3, चुनावी राजनीति। तो इसके पहले चुनाव की क्यों जरूरत होती है, इस विषय पर अपन ने चर्चा की थी। अब चुनाव लोकतांत्रिक मानने का आधार क्या है? तो चुनाव हमेशा लोकतांत्रिक ही होते हैं, क्योंकि जो प्रतिनिधि है वो कौन चुनता है? जनता, लोग, है ना। फिर क्या राजनीति प्रतिद्वंदिता अच्छी है? तो चुनाव में अगर राजनीति, क्योंकि दल, एक दल दूसरे दल से क्या करता है? प्रतिस्पर्धा उसकी बनी रहती है, तो प्रतिद्वंदिता तो बनी ना। इस प्रकार हम पाते हैं कि चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतिक्रिया या प्रतिद्वंदिता। इसमें एक प्रकार से क्या हुआ? प्रतियोगिता हुई। तो चुनाव चिन्ह कई प्रकार के, मतलब आपने देखा होगा जब आप वोट डालने जाते हो तो आपको जो मशीन होती है उसमें कई सारे चुनाव चिन्ह होते हैं, और जो चुनाव चिन्ह होते हैं उसे प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का क्या होता है? प्रतियोगी होता है। मतलब हर किसी को चुनाव जीतने की क्या होती है? आशा होती है। तो यह प्रतियोगिता कई तरह से रूप ले सकती है। स्पष्ट है कि राजनीतिक पार्टियों के बीच क्या हो गया? ये प्रतिद्वंदिता हो गई। निर्वाचन क्षेत्रों का इसका स्वरूप उम्मीदवारों के बीच, मतलब जो उम्मीदवार होती है उनमें प्रतियोगिता होती है, प्रतिद्वंदिता। इसलिए वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं? हर कोई, अगर आप चुनाव में, अब मान लीजिए एक उदाहरण है छोटा सा, कोई भी कार्य करने के लिए आप एक छोटी प्रतियोगिता में भी भाग लेते हैं, जैसे मान लीजिए चित्रकला प्रतियोगिता में ही आपने भाग लिया, तो आपको लगता है ना कि हम जीते, हमें पुरस्कार मिले, हम फर्स्ट आए। तो ऐसा चुनावों में भी उम्मीदवारों को भी लगता है कि हम जीते और हम क्या करें, उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें। लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को होना अच्छी चीज है या नहीं, ये तो आपको चुनाव प्रतिद्वंदिता में कुछ स्पष्ट नुकसान दिखाई देते हैं। हर बस्ती, हर घर, मतलब जैसे बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। मान लीजिए आपको बताऊं मैं कि एक चुनाव, मान लीजिए आप व्यक्तिगत, तो मैं अपन यहाँ पर उसका उल्लेख नहीं कर सकते, लेकिन जो पार्टियां होती हैं वह हर बस्ती में जाती हैं, अपना प्रचार करती हैं कि हमें वोट देना, हमें वोट देना, हम ऐसा करेंगे, हम आपके लिए ये करेंगे। तो अपने अपने इलाके में आपने सुना होगा कि पार्टी पॉलिटिक्स में फैलाने की विभिन्न दलों के लोग, नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं कि ये पार्टी अच्छी नहीं है, आप इसको वोट मत देना, हमारी पार्टी अच्छी है, हमें वोट दो, हमें उम्मीदवार आप चुनो। तो ये सब लोग जो होते हैं, जो चुनाव में खड़े होते हैं, तो वो एक दूसरे के लिए क्या करते हैं? आपको बोलते हैं कि आप हमें भी वोट। चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के क्या करते हैं, वो प्रलोभन देते हैं, भाई आप हमें वोट देना, हम जीत जाएंगे तो आपके लिए ये करेंगे, ऐसा करेंगे, आपके लिए ये करवा देंगे, नाली बनवा देंगे, पानी की व्यवस्था कर देंगे, सड़क बनवा देंगे। इस टाइप के जो प्रलोभन है वो एक उम्मीदवार क्या, मतलब जो मतदाता है उसको क्या करता है? देता है। कुछ लोग का कहना है कि चुनाव दौड़ में जीतने का दबाव, मतलब दीर्घकालीन, जो हमेशा दीर्घकालीन, मतलब दूर तक, हमेशा लंबे समय तक राजनीति को पलटने नहीं देता। समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी क्या हो जाते हैं? चुनावी मुकाबले में नहीं उतरते, और मुश्किल से भिड़ंती लड़ाई में करना उन्हें क्या होता है? अच्छा नहीं लगता। जो कई अच्छे राजनेता होते हैं, जिनको मतलब समाज की, देश की सेवा करने की चाह रखते हैं, लेकिन वो सब इन्हीं चुनावी मुकाबलों के कारण वो चुनाव में उतरना क्या नहीं करते, पसंद नहीं करते। इस तरह यदि कोई राजनीति पार्टी से सत्ता में आने की इच्छा से, अगर शिक्षा, मतलब जो राजनीति, जो पार्टी है वह सत्ता में आने की इच्छा से आगे आए और मजबूरन जनता की सेवा करनी हुई, तो कुछ कुछ ऐसे ढंग से बाजार काम करता है कि भले ही कोई दुकानदार सिर्फ अपने फायदे की ही सोचता, पर मजबूरन ग्राहक को अच्छा सौदा देना ही पड़ता है। मतलब आप मजबूरी में कोई कार्य कर रहे हैं जैसे, तो लेकिन आप उसको अच्छा दिखाने के लिए मजबूरन अच्छा काम करोगे, अगर वह ठीक तरह से
दल और इसके नेता वो सेवा के लिए क्या होते हैं, बाध्य हो जाते हैं। अगर वो चुनाव में खड़े वो जीत गए तो उनको चुनाव का मतलब जो जनता के लिए राजनीतिक दल है उनको जो लोगों के लिए सेवा के लिए क्या होते हैं वो बाध्य हो जाते हैं। क्या हमारे देश में होने वाला चुनाव लोकतांत्रिक है? मतलब हमारे संविधान की जो इन समस्याओं के प्रति अपन क्या करना चाहिए, सचेत रहना चाहिए और भविष्य में नेताओं के चुनाव के लिए मुफ्त चुनाव, मतलब जो मुफ्त में चुनावी मुकाबले का चयन किया गया है उसमें दीर्घकालीन रूप से व्यवस्था को क्या करना चाहिए, बेहतर करना चाहिए। तो क्या हमारे देश में होने वाले चुनाव लोकतांत्रिक है, तो आप बताएं। हाँ, हमारे देश के जो चुनाव है वो कैसे है, लोकतांत्रिक है, क्योंकि जनता के द्वारा ही प्रतिनिधित्व मतलब जो प्रतिनिधि होता है उसका चुनाव किया जाता है। इस सवाल का जवाब देने के लिए आइए हम इस पाठ को पढ़ें कि हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभा वो भारत में चुनाव किस तरह से होते हैं। हमारे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं, मतलब एक समय अंतराल के बाद आपको हर 5 साल में एक बार चुनाव होता है और आपको अपना प्रतिनिधि चुनने का क्या मिलता है, अवसर प्राप्त। 5 साल के बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है और लोकसभा और विधानसभाएं कैसी हो जाती हैं, भंग हो जाती हैं। तो जो राजनीतिक दल है वो उनका मतलब जो कार्यकाल पूरा होने पर जो विधानसभा और लोकसभा क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। और ऐसे चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन में छोटे छोटे अंतराल में अलग अलग फिर क्या होता है, चुनाव की प्रक्रिया फिर से होती है। फिर जो सभी क्षेत्र होते हैं एक छोर मतलब एक ही दिन में छोटे छोटे अंतराल मतलब छोटे छोटे समय में अलग अलग दिन क्या होते हैं, चुनाव होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, आम चुनाव कहते हैं। मतलब आम चुनाव किसे कहते हैं, जैसे कि एक ही दिन में या एक छोटे छोटे अंतराल में अलग अलग दिन में जो चुनाव होते हैं उसे आम चुनाव कहते हैं। कई बार सिर्फ एक ही क्षेत्र में क्या होता है, चुनाव होता है। जैसे कि अगर बड़ा क्षेत्र है तो वहां पर चुनाव कैसा होगा, एक ही दिन में होगा। फिर अपने देश में हम क्षेत्र विशेष पर आधारित प्रतिनिधित्व का क्या करते, प्रतिनिधित्व की क्या करते हैं, प्रणाली में काम करते हैं। जो हमारा क्षेत्र है, हमारा मतलब जिस क्षेत्र का हमें प्रतिनिधित्व करना है उसमें एक ही प्रणाली पर क्या करते हैं, काम करते हैं। चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में क्या किया जाता है, बांट लिया जाता है। क्या किया जाता है, इससे एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता मतलब जो एक क्षेत्र में रहते हैं मतदाता उन्हें अपने एक प्रतिनिधित्व का क्या करना पड़ता है, चुनाव करते हैं। इसमें लोकसभा चुनाव के लिए देश में मतलब अभी वर्तमान में जो लोकसभा चुनाव है वर्तमान में कितनी सीटों का निर्वाचन हुआ, 543 निर्वाचन क्षेत्रों में क्या किया गया है, बांटा गया है। और हर चुनाव में प्रतिनिधि को मतलब जो हर क्षेत्र के जो चुनाव होते हैं जो प्रतिनिधि चुना जाता है वह क्या होता है, संसद का सदस्य उसे कहते हैं, जैसे सांसद। सांसद मतलब जो चुनाव हुए लोकसभा चुनाव हुए उसमें 543 सीट थी, तो प्रत्येक क्षेत्र में जो प्रतिनिधि चुना गया उसे क्या कहते हैं, संसद सांसद कहा जाता है। और वह क्या होता है, संसद का उसे सदस्य कहते हैं, जो लोकतांत्रिक चुनाव की एक क्या है, विशेषता है। और इसमें हर वोट को मतलब जो वोट होता है हर वोट का इसमें बराबर मूल्य है, इसलिए हमारे संविधान में व्यवस्था है कि हर चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या काफी हद तक कैसी होनी चाहिए, समान हो। तो ये हो गया चुनाव के बारे में। सांसद आपको बता दूं सांसद क्या होता है, तो जो हर क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधियों के सांसद जो होते हैं, तब एक विशेषता यह है कि हर वोट का मूल्य कैसा होता है, बराबर होता है। और जो प्रतिनिधि हर क्षेत्र से जो प्रतिनिधि चुना जाता है उसे सांसद कहते हैं और वह संसद का क्या होता है, सदस्य होता है। और सभी सांसद मिलकर इस प्रकार प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों का हिसाब में क्या किया जाता है, बांटा गया है। इन सीटों में निर्वाचित प्रतिनिधियों को क्या कहते हैं, विधायक कहते हैं, जो विधानसभा के चुनाव होते हैं। तो मतलब
विधायक कैसे चुने जाते हैं, तो विधानसभा के सीटों के हिसाब के में बांटा गया है। इन सीटों में जो निर्वाचित प्रतिनिधि को क्या कहते हैं, विधायक कहते हैं। जो प्रत्येक सांसदीय निर्वाचन क्षेत्र के विधानसभा में मतलब कई कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं, उसमें पंचायत हो गया, नगर पालिका हो गया, ये चुनाव भी इनका तरीका मतलब इन चुनावों में भी यही तरीका मतलब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह पंचायत के चुनाव में और नगर पालिका के चुनाव में भी यह प्रक्रिया को क्या किया जाता है, अपनाया जाता है। और प्रत्येक पंचायत में कई वार्डों में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। जो छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों के क्षेत्र होते हैं और प्रत्येक वार्ड में जो पंचायत होती है उनको भी प्रत्येक वार्डों में क्या किया जाता है, बांटा जाता है और छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र इसमें होते हैं। उसमें कई बार निर्वाचन क्षेत्रों में को क्या कहा जाता है, शीत भी कहा जाता है। कहते हैं ना कि फलाने एरिया से मतलब दूसरे एरिया से जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उस सीट पर ये व्यक्ति खड़ा हुआ है, इस दल का नेता खड़ा हुआ है, तो इस सीट पर ये खड़ा हुआ है। प्रत्येक पंचायत वार्डों में जो छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं, निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, उसे सीट भी कहते हैं। और हम कह सकते हैं कि लोकदल जो लोक दल होते हैं विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों से जीतकर वह क्या करते हैं, राज्य में विधायक जो विधानसभा में पहुंचते हैं उसे क्या कहते हैं, विधायक दल के द्वारा ही क्या चुना जाता है, मुख्यमंत्री चुना जाता है। खुले चुनावी मुकाबले में कुछ कमजोर समूह भी लोग मतलब जो खुले चुनाव में होता है उसमें जन मतलब जो हमारा संविधान है उसमें प्रत्येक नागरिकों को अपना प्रतिनिधि चुनने का क्या है, प्रतिनिधि चुनने का क्या है, अधिकार प्राप्त है। और हमारे संविधान के निर्माता की क्या है, एक खुली चुनावी मुकाबले में कुछ कमजोर समूह भी लोकसभा के और विधानसभा में मतलब नहीं पहुंच पाए, संभव है कि चुनाव लड़ने में और जीतने लाए जरूरी संसाधन शिक्षा और संपर्क पास हो ही नहीं, जो संसाधन है यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए आपके पास संपूर्ण संसाधन शिक्षा और संपर्क ये तीनों ही नहीं, संसाधन वाले प्रभाव से लोग चुनाव जीतने से जो संसाधन से परिपूर्ण है और प्रभावशाली है उनको चुनाव जीतने से आप रोक भी सकते हैं अगर आपका जो वर्चस्व